पेजिंग लाइव रिक्वेस्ट। ठीक है, जस्ट वन सेकंड। दिखाई दे रहा है? यू गाइस आर रेडी? तो बैक यस जाना यस पड़ेगा, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा, थोड़ा पीछे जाओ। आई थिंक यू आर टू। हाँ यस, ग्रेट ग्रेट। नाउ अभी दिख रहे हो। हाय तपेंदर, हाय नीलम, हाय टीना, हाय टीना, हाउ आर हाउ आर यू? यू? आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? अच्छे हैं टीना, बहुत हम भी अच्छे अच्छे हैं हैं। टीना। ऑसम, वी आर गुड टू स्टार्ट। आई थिंक वी टू कैन 7 मिनट्स एक्स्ट्रा टू फिगर आउट थिंग्स। तो ये पेज से लाइव नहीं गई थी, तो यू नो आई वाज गोइंग थ्रू माय ओन प्रोफाइल। तो अभी यू नो लेट्स स्टार्ट। तो नाइस, गुड टू सी यू तपेंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो टेल मी जस्ट वन सेक। सो गाइस, आई होप यू नो टुडे वी हैव तपेंदर एंड नीलम फ्रॉम हैदराबाद। सो तपेंदर, अगर मैं बैकग्राउंड से बोलूं तो ही आई मेट हिम आई थिंक 2 इयर्स बैक फॉर अ यस ही हैड कम फॉर अ वेट लॉस। यू नो ही वाज आई थिंक 110 ना तपेंदर? यस टीना, यस, या सो तपेंदर वाज 107 एंड 110। ही वाज लुकिंग, सॉरी 110 110, and that's how we met. And yes, he is here, you know, for 38 kg weight loss. तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे, so that his story can inspire you, आप सभी को inspire कर पाए. तो that is why we are here today. तो just 1 minute. तो yeah, so great. So Tapinder, your journey is really wonderful. It is real inspiration for many of us, you know. तो बस बिकॉज हम मिले थे शायद आई थिंक 1 साल पहले हम एक बार आए थे, यू नो यू हैड गिवन योर इंटरव्यू जहां पर वी ऑलरेडी डिस्कस, और अभी आई थिंक 1 साल हो गया एंड यू हैव बीन एबल टू मेंटेन दैट वेट जो जो 38 kg जो वेट लॉस किया था तुमने, यू आर एबल टू मेंटेन इट एंड दैट्स ऑसम। तो तपेंदर, बट हमारे आज यहाँ पर बहुत सारे न्यू व्यूअर्स भी है, बहुत नए लोग हैं जिनको शायद नहीं पता हाउ यू स्टार्टेड, व्हाट इज योर एंड हाउ यू आर नाउ, वेर यू स्टैंड नाउ। तो जस्ट थोड़ा यू नो उनको अपना बैकग्राउंड बताओगे, योर इंट्रोडक्शन, लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी? यस यस श्योर। सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ तपेंदर, मैं हैदराबाद से लॉक्ड इन हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम एन आईटी प्रोफेशनल वर्किंग फुल टाइम। तो या एज टीना मेंशन्ड कि मैंने 1 साल पहले वी गेव इंटरव्यू। सो मेरा वेट काफी ज्यादा हो गया था, इट वाज एट 110, लाइक ऑल टाइम हाई। उसके वजह से काफी हेल्थ इश्यूज भी होने लग गए थे, लाइक एनर्जी बहुत लो रहता था, बैक पेन वाज देयर, राइट। सो मतलब हमेशा चिड़चिड़ापन रहता था, मतलब आई वॉज नॉट दैट हैप्पी अबाउट एनीथिंग। सो उसके लिए आई वॉज लुकिंग आउट फॉर सम सोल्यूशन, ढूंढ रहा था कि कुछ हो, कि कुछ भी किसी तरह से आई वॉन्ट टू लूज वेट इन अ हेल्दी मैनर। एंड देन थ्रू वन ऑफ माई फ्रेंड मैं टीना से मिला, एंड देन आई स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। सो आई लॉस्ट 38 kgs ऑफ वेट एंड आई वेट लॉस तो एक था, मतलब उसके अलावा आई गॉट लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स एज वेल, लाइक हेल्थ एनर्जी इंप्रूव हो गया, मेरा जो बैक पेन था, जो भी पेन होता था बॉडी में, दैट वेंट ऑफ। एंड आई स्टार्टेड रनिंग, नेवर इन माय लाइफ आई स्टार्टेड रनिंग। सो आई कंप्लीटेड माय, टिल नाउ आई हैव डन 3 10K मैराथन रन्स, रीसेंट टाइमिंग, सो आई एम रियली हैप्पी। That's awesome. That's wonderful, Kapinder. You know, I know, क्योंकि when I see your when you were like 2 साल पहले जैसा हमने देखा था, and now how you are able to maintain, that's wonderful. तो Tapinder, because it's been I think more than a year you have lost and you are able to maintain up. You know, you have been maintaining that weight. तो so वो तो मैं उस पर आऊंगी, but before you know coming to your question. तो एंड आई हैव सीन नीलम ऑल्सो, सो नीलम जैसे यू नो एज अ वाइफ जो मैंने देखा नीलम को, शी हैज बीन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग यू नो इन थ्रू आउट द जर्नी, राइट? तो नीलम, थोड़ा इंट्रोडक्शन तुम्हारे तरफ से भी, यू नो व्हाई यू वर सो लाइक ऑलवेज रेडी फॉर देयर टू हेल्प हिम इन दिस जर्नी? यस टीना, जब से शादी हुआ था मेरा तपिंदर से, तो मैंने देखा था तपिंदर किस तरीके से अपना वेट इंक्रीज कर रहे थे। पहले से भी काफी ज्यादा बल्की थे, लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्टिन्यूसली उनका वेट काफी इंक्रीज होता जा रहा था। तो लाइक हम बहुत ज्यादा वरिड थे कि क्या किया जाए, और
वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट एनी सोल्यूशन कि कैसे बॉडी हेल्दी हो और कैसे हमारा हेल्दी वेट लॉस हो. सो समहाउ दिस प्रोग्राम लाइक केम इन आवर लाइफ एज ए ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग की तरह हमारी लाइफ में आया और बड़ा अच्छा लगा मुझे. हेल्दी वेट लॉस हुआ और काफी सारे हेल्थ बेनिफिट भी मिले इनको और लाइक ही इज एंजॉयिंग लाइक हिज लाइफ टू द फुलेस्ट. तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी. ऑल थैंक्स टू यू बाय द वे. ग्रेट बट यू नो यू बोथ एज अ कमिटमेंट वाइज तपेंदर एंड नीलम को भी यू नो द फुल यू नो सपोर्ट हाउ यू नो इन दिस जर्नी वो भी बहुत रिमार्केबल था. तो तपेंदर कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे पूछना है तुमसे बिकॉज तुम इस जर्नी में कहीं यू नो यू वेर इन अ लॉन्ग टाइम बिकॉज 38 kg इज नॉट अ जोक टू लूज इन अ हेल्दी वे. तो कुछ कुछ चीजें जो काफी आते रहते हैं हमारे वेट लॉस क्लाइंट्स के तरफ से या हर किसी के दिमाग में जो इस वेट लॉस जर्नी में कोई भी अगर वेट लॉस कर रहा होता है तो कभी यू नो तुमने कभी भी जब सबसे स्टार्टेड जर्नी किया एंड हैव यू मतलब सबसे पहला तो यू हैव ट्रस्टेड मी मतलब आई वाज कंप्लीट स्ट्रेंजर है ना. यू हैव ट्रस्टेड मी एंड यू स्टार्टेड अ जर्नी विद अ स्ट्रेंजर. वी नेवर न्यू ईच अदर बिफोर द जर्नी. सो हाउ डिड दैट स्टार्ट एंड मतलब व्हाई डिड यू डिसाइडेड जो एक डिसीजन लेना था ना 2 साल पहले कैसे डिसाइड किया कि क्या सोचा व्हाट वाज योर माइंडसेट बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी. मतलब वैलिड क्वेश्चन टीना. मतलब इनिशियली मेरा भी थोड़ा स्केप्टिसिज्म था थोड़ा डाउट था कि मतलब स्ट्रेंजर है मतलब नेवर मेट बिफोर राइट. यू आर इन बैंगलोर आई वाज इन हैदराबाद सो कोई फिजिकली वी नेवर मेट ईच अदर. बट व्हेन आई टॉक्ड टू यू अबाउट माय प्रॉब्लम्स आपने मुझे अच्छे से समझाया कि कैसे मतलब हाउ यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ. मतलब वेट तो लूज करना ही है बट हेल्थ पे फोकस करना है. तो यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ गेट हेल्दी फर्स्ट एंड देन वेट लॉस विल हैपन. सो आपने मेरे को साइंस समझाया. It makes sense to me. And फिर आपने मैंने आपका प्रोफाइल भी देखा था. So I have seen like how many people you have given results. काफी लोगों का आपने health reverse किया है, weight loss में help किया है. So all of these things kind of made that trust started. तो धीरे धीरे जब trust start हुआ and then I thought let's start and give it a try. And then उसके बाद तो फिर आपसे मतलब we were regularly contacting each other weekly basis पे. We were tracking the weight. So, वो ट्रस्ट बिल्ड होते चला गया एंड आई वाज गेटिंग द रिजल्ट. सो ऑब्वियसली वो ट्रस्ट आ गया था मेरे को विद इन अ स्पैन ऑफ 2 weeks. ग्रेट ग्रेट. तो इन द जर्नी तपेंदर कभी प्लेटो हिट हुआ, कभी ऐसा हुआ कि वेट स्टक हो गया और नीचे नहीं उतर रहा है, यू नो इज इट स्टक, ऐसा हुआ क्या तुम्हारे जर्नी में भी? हां टीना, मतलब आई थिंक 2-3 times तो मुझे भी याद है कि हुआ है एंड ऐसा तो हुआ है. मतलब वेट तो स्टक होता है एंड जब फर्स्ट टाइम मेरा वेट स्टक हुआ था इट वाज थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था बिकॉज़ आई वाज गिविंग इट ऑल है ना. तो स्टक हुआ देन आई वाज लिटिल डीमोटिवेटेड देन आई काइंड ऑफ मैंने आपसे बात किया देन आपने समझाया कि वेट लॉस होगा. मतलब इट्स नॉट लाइक कि बॉडी हमेशा वेट लॉस ही करते रहेगा. एक फेज आता है जब वेट लॉस जर्नी में जब व्हेन योर बॉडी गेट्स हेल्दी तो उस समय यू मे नॉट लूज वेट राइट. तो उसके लिए डिसअपॉइंटेड नहीं रहना है. तो That was in my mind. So when second time जब ऐसा हुआ तो I was prepared for it. So yeah, but plateau definitely होता है, but we should not be demotivated by it. As long as अगर आप clear हैं कि what you are trying to achieve. Absolutely. तो देखो जो you know because this question is very common, हमें सुनने को मिलता रहता है कि अब तो weight stuck हो गया, आप शायद नीचे ना हो. तो and this is a very common queries. That is a valid question जैसा तपेंद्र ने बोला. But you know guys, ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो weight loss होता है ऐसा नहीं होगा कि होते रहा होते रहा होते रहा. There are points where you get stuck. You know why I wanted Tapinder to share because ये बहुत normal case है जहाँ पर weight stuck होता है, हर किसी का होता है. But if you in that moment अगर बहुत ज़्यादा negatively सोच कर you know you quit or you just get demotivated तो वो negative vibration से भी बहुत time you stop losing weight है ना. So weight loss plateau इसको बोलते हैं, मतलब weight is stable. बट अगर वो 1 महीने तक स्टेबल है, यस देर इज अ कंसर्न, वी हैव टू चेंज द डाइट एंड ऑल. बट वो 1-2 हफ्ते के लिए अगर वेट रुका हुआ है दैट इज कम्प्लीटली फाइन. Don't worry at all. As Tapinder told, he has seen couple of times, 2-3 times, usse jo yaad hai. And I also remember, hai na? So weight loss plateau is a normal thing in weight loss journey. But again, I'm saying not for 1 month. Okay? So great. So Tapinder, the next thing is now to, you know, you have done wonderful, you know, you how you have been able to maintain it. कैसे मेंटेन करके रख पा रहे हो? क्योंकि लोगों का ये बहुत ज्यादा होता है बिकॉज योर थिंग इज नो रिबाउंड. बिकॉज व्हेनेवर जब हम वेट लॉस के लिए सोचते हैं हमारा पहला क्वेश्चन ये आता है कि
क्या मेरा वेट वापस आ जाएगा, है ना? ये डर हमें हमेशा सबको रहता है, राइट, कि ये वेट रुक जा सॉरी रिटर्न आ जाएगा। क्या मैं अभी मैंने 2-3 महीना कर लिया एंड वेट लॉस हो गया, तो हाउ, मतलब तुमने कैसे मेंटेन कर, एज आई टोल्ड इट्स बीन 1 ईयर, तो हाउ डिड यू मेंटेन इट? तो टीना वही था कि मतलब थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल में चेंजेस करना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा जो भी मेरा अनहेल्दी लाइफस्टाइल था पहले वो थोड़ा चेंज किया बिकॉज और वो ऑटोमेटिकली हो गया था बिकॉज मैं जब प्रोग्राम में था माय वाज गेटिंग प्रोग्राम्ड इन अ वे कि मैं मेरा हेल्दी ऑप्शंस चूज कर रहा था अनहेल्दी ऑप्शंस के ऊपर। आई वाज वर्किंग आउट रेगुलरली। तो बस यही छोटे मोटे चीज मेरा भी लाइक इट्स अ वेरी हार्ड जॉब राइट। सो ऑन अ डेली ऑन अ डे टाइम में आई वर्क। सो इट्स लोग सोचते हैं कि लाइक जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं दे हैव उनको काम ही वही होता है कि दे हैव टू मेंटेन देयर फिजिक। बट ऐसा नहीं है। मतलब इफ यू स्पेंड 15 मिनट्स डेली अगर आप वर्कआउट करते हैं एंड यू ईट हेल्दी फूड राइट और जो भी प्रोसेस्ड फूड वगैरह यू अवॉइड इट देन प्रॉब्ली यू कैन डेफिनेटली मेंटेन योर वेट। सो हेल्दी ऑप्शन चूज करना है एंड अपने हेल्थ पे फोकस रखना है एंड इट इज अचीवेबल। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एब्सोल्युटली, अगर हम माइंडफुल ईटिंग करें, है ना, दैट डज नॉट मीन कि हम कभी एंजॉय नहीं करते, कभी हम बाहर नहीं खाते, कभी हम पार्टी नहीं करते, दैट डज नॉट मीन दैट अगेन, राइट? तो जैसे तब मैंने बोला डू योर एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, सो दैट यू मेंटेन योर फिटनेस लेवल, यू मेंटेन द यू नो यू बिकॉज जैसे तपेंदर हैज अ लॉन्ग आईटी जॉब एंड लॉन्ग सिटिंग आवर्स, बट स्टिल यू नो आई थिंक यू फिगर आउट टाइम टू थोड़ा जाकर एक्सरसाइज करना, है ना, ये सब 15 मिनट, है ना, 15 मिनट 20 मिनट एक्सरसाइज करना, एंड दैट इज अ वेरी इजी वे टू मेंटेन, आई थिंक, राइट? तो जैसे तुमने किया, आई सी योर वीडियोस, यू नो यू आर इंस्पायरिंग मेनी मेनी पीपल, यू नो बोथ ऑफ यू एक्चुअली, यू नो जो एक्सरसाइज, मतलब मैं जस्ट सोचती हूँ व्हेन वन टेन व्हेन यू वेयर एंड नाउ आफ्टर दैट, इट डज नॉट मीन कि फिर से वापस चले गए। आई हैव बीन सीइंग कंटिन्यूअसली इन योर फेसबुक कि यू नो एक्सरसाइज कर रहे हो, माइंडफुल ईटिंग कर रहे हो, एंड दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम, दैट्स ग्रेट। तो अभी यू नो बिकॉज सी मेनी टाइम्स वी डू वेट लॉस हो जाता है एंड दैट्स इट, वी आर डन, राइट? बट आई हैव बीन सीइंग यू बोथ, एक्चुअली नीलम का भी मैं सुनना जरूर चाहूंगी, क्योंकि इफ यू कैन शेयर इट विल हेल्प यू नो एज अ फैमिली हाउ यू कैन लिव हेल्दी, राइट? बिकॉज यू बोथ आई हैव सीन आर वेरी वेरी पैशनेट फॉर हेल्थ एंड यू हैव मेंटेन, मतलब जो सीखा एक वेट लॉस करते समय, जो भी सीखा या जो लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया उसमें धीरे 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 आई हैव सीन यू कि पूरा पैशनेटली यू हैव बीन लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल इन एंड प्लस यू हैव बीन हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल, है ना? हेल्प भी करना, यू नो यू हैव स्टार्टेड, नॉट दैट कि यू हैव दिस प्रोफेशन, यू आर आईटी प्रोफेशनल, आई नो दैट, बट स्टिल अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ यू इंस्पायर एंड हेल्प जस्ट टू पीपल, जस्ट टू लिव हेल्दी। तो वो इंस्पिरेशन कैसे आया, व्हाई यू स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल, एंड नीलम हाउ यू स्टार्टेड, लाइक मैं तुम्हें भी देखती हूँ कि यू हैव बीन हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल, सो व्हाट इफ यू कैन टेल योर बैकग्राउंड, हाउ यू टुक दिस थॉट कि नहीं मुझे भी हेल्प करना है लोगों को? यस टीना, एक्चुअली मैंने अपना जर्नी जो है तपिंदर से इंस्पायर होके शुरू किया था। मेरा पोस्ट प्रेगनेंसी का वेट था, बेली फैट काफी ज्यादा था, तो ऑब्वियसली जब बेली फैट ज्यादा रहता है तो लो कॉन्फिडेंस फील होता है, तो मैं उस चीज से रिलेट कर सकती हूँ कि कितना बुरा लगता है, कहीं पे भी जाते हैं तो कपड़े ऐसे चूज करने पड़ते हैं कि जिसमें बेली फैट ना दिखे। तो लाइक अभी जो मुझे लाइक आते हैं गर्ल्स के मैसेजेस कि बेली फैट कैसे रिड्यूस करे, तो मुझे भी वो टाइम याद आता है अपने माइंड में कि हाँ मैंने भी कितना सफर किया था, कितना कुछ सुना था, तो इसीलिए हमने भी ये डिसीजन लिया कि क्यों ना जैसे हमने अपना हेल्थ अच्छा किया है, जैसे हम इतने अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है, तो व्हाई नॉट टू हेल्प दोज पीपल जिनको जरूरत है एक्चुअली। तो इसीलिए हमने जो है ये स्टेप लिया और हम अपने आसपास में जो भी जिसको भी हमारे हेल्प की जरूरत होती है हम उनका हेल्प करते हैं, एंड बहुत अच्छा लगता है कि सेम हैबिट्स वी आर लाइक रेप्लिकेटिंग ऑन अवर डॉटर टू अवर डॉटर। तो जीनी भी हमें देख के बहुत सारा जो है एक्सरसाइज करती है, वर्कआउट करती है, अपने फ्रेंड्स को सिखाती है, लाइक डू लाइक दिस वी विल डू प्लैंक, वी शुड ईट लाइक अवर फूड स्टार्टिंग फ्रॉम द सैलड्स। सो अच्छा लगता है ये सब देख के कि लाइक समहाउ ये प्रोग्राम हमारी लाइफ में एक ब्लेसिंग बन गया है, हमारा हेल्थ इतना अच्छा हुआ और वही सेम चीज हम दूसरे लोगों को भी हेल्प कर पा रहे हैं। सो दैट्स आई वांट टू शेयर। माइंड ब्लोइंग।
बहुत बढ़िया नीलम, क्योंकि देखो वेट लॉस जर्नी बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग आगे भी करेंगे, पर मैंने तुम दोनों को देखा कि जो तुम लोगों ने सीखा, यू हैव यू नो इनकल्केट दैट इन योर फैमिली, है ना, तुमने अपने सर्कल, अपना फैमिली, अपने जो भी आसपास के लोगों पर वो भी यू नो इंस्पायर किया और हेल्प किया, यू नो एंड आई कैन सी टोटली सी दैट. सो तपेंदर, हाउ यू फील बीइंग अ हेल्थ इन्फ्लुएंसर एज वेल, लाइक यू नो तुम्हारा क्या माइंडसेट है कि यू नो यू आर ऑल्सो इंस्पायरिंग एंड हेल्पिंग पीपल? हाँ टीना, मतलब बीइंग एन हेल्थ इन्फ्लुएंसर काफी अच्छा लगता है बिकॉज वो अलग सी फीलिंग आती है व्हेन यू हेल्प समबडी, है ना। बिकॉज मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ तो मुझे पता है व्हेन आई वाज लुकिंग आउट फॉर सॉल्यूशन कोई भी नहीं था। मतलब रैंडमली हम लोग क्या करते थे, व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड लॉट ऑफ पीपल डू इज गूगल कर लेते हैं कि वेट लॉस कर लिया है क्या क्या, तो उसमें कुछ भी कर लेते हैं ट्राई, दे ट्राई इट, कुछ मिलता है रिजल्ट, कुछ नहीं मिलता है यूट्यूब पे चले जाते हैं। सो बट आई वॉज नॉट लाइक वो मेरे को मिला नहीं था पाथ अंटिल आई मेट यू, है ना। तो अभी मैंने सोचा कि व्हाई, मैंने जो रिजल्ट पाया है व्हाई नॉट आई स्प्रेड दिस नॉलेज टू अदर्स एंड हेल्प अदर पीपल आल्सो टू लीड अ हेल्दी लाइफ। बिकॉज वी आर आल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग का भी रेगुलर जॉब है, अगर हम लोग एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं तो एनीबडी कैन लीड इट, राइट। बिकॉज हमारे पास भी उतना ही टाइम है जितना सभी के पास है। तो ये सब सोच के वी स्टार्टेड वर्किंग लाइक काइंड ऑफ हेल्थ इन्फ्लुएंसर की तरह काम करना स्टार्ट किया। एंड विद गॉड ब्लेसिंग वी हैव बीन एबल टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल अंटिल नाउ, और आगे भी करते रहेंगे हम लोग। अच्छा लगता है हेल्प करना। अमेजिंग, ग्रेट, बिकॉज हम भी इसी विजन से काम करते हैं, मैं भी इसी विजन से काम करती हूँ, ताकि आई कैन रेप्लिकेट, वी कैन क्रिएट फैमिलीज लाइक यू हु कैन टेक हेल्थ एज अ यू नो एज अ वे ऑफ लिविंग, है ना, एंड एंड उसी को स्प्रेड करना है, राइट. ग्रेट तपेंदर. तो तपेंदर, सो गाइस, देखो हम लोग डिस्कस तो कर रहे हैं थोड़ा बहुत, बट अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है, आप चैट विंडो में, आई मीन द कमेंट में डालते रहो, वी विल टेक एट द एंड अगर कुछ क्वेश्चंस है, यू नो बिकॉज वी विल फिनिश इन अनदर 5 मिनट्स और सो. तो आप अपना कुछ भी क्वेरी से डालते रहो, वी विल टेक इट, आई विल टेक इट एट द एंड, ओके. सो हाँ तपेंदर, मैं ये पूछ रही थी कि सो यू स्टार्टेड एट 11, यू स्टार्टेड एट 110 एंड यू आर नाउ 76, इज इट, और 74, राइट. सो नाउ 76 तो राइट नाउ। 74, 76, तो कब था अपने, यू कैन यू टेल अस कि कब था तुम्हारा ये वेट 76 कब था? आई थिंक मुझे तो कभी याद नहीं है कि मेरा वेट 76 मैंने देखा हो पर्सनली। मतलब बिकॉज व्हेन आई वाज इन 10 आई वाज 90 प्लस, उसके बाद तो मैंने कभी देखा नहीं 90 से नीचे भी आया होगा वेट। तो आई थिंक मैं तो मेरे को याद नहीं है टू बी फ्रैंक। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई ओके, एम सो सीइंग जब माय तुम वेट क्लास 10 में थे तब भी 90 था, जब तुम क्लास 10 में थे तब भी 90 प्लस। 90 था, ओके. सो दिस इज द वेट व्हिच यू हैव अचीव्ड फर्स्ट टाइम, हां, 75, 76. Okay, just nice. Yeah, just nice. And you have been able to maintain it. And what was your dress size? What was there? And now what are you wearing? उस समय तो डबल एक्सेल आता था, मतलब वो भी बॉर्डर पे पहुंच गया था, ट्रिपल एक्सेल पे जाने वाला था मैं। एंड अभी तो मैं आई फिट इन स्मॉल एंड मीडियम डिपेंडिंग ऑन ब्रांड। अरे वाह, मस्त, awesome Tapinder, you have inspired many many people. I think you know whoever is listening get a hope from, अगर आप 2 महीने में बोर हो जा रहे हो अपने जर्नी से, तो you know just come back and see this life, because Tapinder has done for a long time. आप कैलकुलेट कर लेना, अगर 5 kg भी लॉस होता है 1 महीने में, तो Tapinder ने कितना दिन किया होगा टू लूज दैट 38 kg, है ना. एंड अप्स एंड डाउन्स ऑलवेज हैपेंस इन लाइफ. ऐसा नहीं कि आप बहुत टाइम में थिंग्स कम अप, यू नो बहुत टाइम हो जाता है ऐसा कि ब्रेक करना पड़ता है, बट अगेन कम बैक, यू नो वापस आकर फिर से स्टार्ट करना है. ऐसा तपेंद्र के साथ भी हुआ था, ही फिनिश्ड हाफ ऑफ द गोल, अगेन ही वेंट बैक फॉर सम व्हाट एवर कंडीशंस एंड अगेन केम बैक एंड रीस्टार्टेड. तो ये तो मैं नहीं बोलू, मतलब ये मैंने कभी नहीं सोचा ना कि मुझे जा जाके बोलना पड़ेगा कि तपेंद्र तुम आ जाओ वापस कर लो, यू नो दैट इज हिज चॉइस, हिज डिसीजन, राइट. दैट्स ऑसम तपेंद्र, आई थिंक दैट्स ग्रेट. गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, लेट अस नो, और थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड शेयरिंग योर इंस्पायरिंग जर्नी, बोथ ऑफ यू, एंड स्प्रेडिंग थैंक द यू टीना फॉर कॉज इनवाइटिंग ऑफ, मी। सो यू नो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मे बी योर कुछ कुछ चीजें, यू नो जो भी लोगों को इंस्पायर करे एंड दे विल टेक द डिसीजन फॉर देयर बेटर हेल्थ, है ना. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर, यू नो आप लोगों को कुछ बोलना है और
या थैंक यू सो मच टीना फॉर इनवाइटिंग अस एंड जस्ट यही मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं कि अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं, अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग. ठीक है, वो ऑप्शन वो सबके लिए ओपन है. ठीक है, और अपने हेल्थ को अपना प्रायोरिटी रखें, बस वही एक बोलना चाहूंगा मैं. Absolutely. Yes, of course. Health ko dhyan dena, it does not take your 24 hours. Health does not, maintaining your health does not take your 24 hours. Kuch kuch small decisions, kuch kuch, you know, small choices hi aapko, you know, healthy bana sakta hai. Okay? And don't keep a target ki ye mujhe daud ke wahan tak pahunch jana hai and I'm done. No. Health is a responsibility which we have to be, matlab usko chalate rehna lifelong. तभी हम हेल्दी रह सकते हैं, राइट? बिकॉज द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, काइंड ऑफ स्ट्रेस, काइंड ऑफ फूड हैबिट्स वी गो थ्रू इन टुडेज वर्ल्ड इज ऐसा नहीं है कि बहुत ही, मतलब हमें कुछ नहीं होगा, बिकॉज वी नीड टू टेक केयर, मतलब वो कॉन्शियस एफर्ट डालना ही पड़ेगा, राइट? सो गाइज, इट वॉज रियली वेरी वेरी इंस्पायरिंग सीइंग यू बोथ, यू नो, लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल, हेल्पिंग सो मेनी पीपल लूजिंग वेट, you know, and मतलब वो जो चीज सीखा उसको आगे भी शेयर करना, लोगों को हेल्प करना, इज रियली नॉट, यू नो, इट्स रियली अ प्राइसलेस थिंग टू डू, आई गेस, राइट? सो थैंक्स बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर स्टोरी. आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन, वी आर रीचिंग 6:30 एंड ओके गाइज, बाय, विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक, मे बी विद समबडी एल्स. ओके, सो ग्रेट, बाय बाय. थैंक यू टीना, बाय बाय. बाय एवरीवन. Bye, bye bye everyone.